शाही अंदाज में निकाला गया। शाही मुम की जरीह का जुलूस लखनऊ, पहली मुहर्रम को ऐतिहासिक आसिफ इमामबाड़े से शाही जरीह का जुलूस शानो शौकत के साथ निकाला गया। जुलूस में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की और हजरत इमाम हुसैन सहित करबला के 72 शहीदों को नजराने अकीदत पेश की। इस दौरान हर कोई काला लिबास पहने नम आँखों के साथ मातम मना रहा था। जुलूस से पूर्व इमामबाड़ा परिसर में हुए मजलिस में बताया गया कि हजरत इमाम हुसैन 28 रजब को मदीने से चलकर 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे थे, जहाँ यजीदी फौजों ने उन्हें 3 दिन भूखा प्यासा शहीद कर दिया था। जुलूस के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें कि पहली मुहर्रम को शाही मुम की जरीह का जुलूस बड़ा इमामबाड़ा से लेकर छोटा इमामबाड़ा तक निकाला गया। मजलिस से पहले सोजकवानी पेश की गई। शाही जरीह का जुलूस जैसे ही आसिफी इमामबाड़े से बाहर आया तो वहां मौजूद हजारों अजादारों ने उसका बोसा लेना शुरू कर दिया और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रोने लगे। जुलूस में 20 फुट की मोम जरीह और 15 फुट की अबरक की जरीह शौक का केंद्र था। दोनों जरीह का हर कोई बोसा लेना चाहता है। जुलूस में हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शरीक हुए और करबला के शहीदों की याद में जारों की तार रोककर अपने गम का इजहार किया। जुलूस में शामिल हुआ थी ऊंट और सवार ने लोगों को शाही दौर की याद दिला दी। बैंड और नक्कारे मातमी धुनें निकालकर इस बात का ऐलान कर रहे थे कि मुहर्रम की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ समेत पूरी दुनिया में मुहर्रम में आजादारी का सिलसिला चेहल्लूम तक चलता है। जुलूस में शाही बाजा, शहनाई, रोशन चौकी, सबील, हाथी और ऊंट भी शामिल थे। हाथियों पर बैठे लोग हाथों में चांदी के शाहजहीन ताज, शेर, सूरज और चांद लिए थे। इसके पीछे हमारी ऊंट, काली झंडी, हरी झंडी, चांदी की नक्काशी झंडी, बल्लम, बर्छी, जरीजे और मोरपंख ही थी। जुलूस में हजरत इमाम हुसैन की सवारी का प्रतीक जुलजुना, घोड़ा, हजरत अब्बास के 2 अलम के साथ अन्य अलम और ताबूत आदि शामिल थे। जुलूस के साथ अजुमन शब्बीर या नौहा अखवानी और सिनाजनी करती चल रही थी। जुलूस की सुरक्षा के लिए आगे पीछे सुरक्षा बलों की विशेष टुकड़ियां चल रही थी। वहीं आसपास की बड़ी इमारतों पर से भी सुरक्षा बल पैनी नजर बनाए हुए थे। जुलूस जब रूमी गेट से निकलता हुआ छोटे इमामबाड़े पहुंचा तो यहां पर अंतिम जियारत के लिए लोगों की भीड़ काफी बढ़ गई। इस दौरान लोग तबरुकात की जियारत कर बोसा लेते और मन्नत मांगते नजर आए और उसूलों के खातिर यजीद से बैत नहीं की और अपनी शहादतें दे दी। मोहम्मद अली शाह बहादुर जो कि अवध के तीसरे बादशाह थे, उन्होंने 1839 में ये ट्रस्ट कायम किया हुसैनाबाद मुबारक, जिसके तहत ये शाही जुलूस उठाए जाते हैं। आज पहली मुहर्रम है और ये शाही जरी की मोम की जरी का ये जुलूस जो है 1839 से उठता चला आ रहा है। सामने इसके निशान हैं, उसके पीछे रोशन चौकी है, फिर सबील है, फिर हाथी, ऊंट, उन पर माही मरातिब हैं, उसके पीछे सियाह, सब्ज, सुर्ख, सफ़ेद, ये सब झंडियाँ हैं। फिर बैंड है जो कि मातमी धुनें बजा रहे हैं, जिसमें पुलिस बैंड भी होता है, प्राइवेट बैंड भी होते हैं। उनके पीछे सोस खान और मरसिया खान होते हैं, जुलजना होता है और उसके पीछे शाही जरी होती है जिसको 64 कहार उठाते हैं। वो इस शाही जरी के पीछे लाडो साखन का वो ताज़िया होता है, ये बुढ़िया का भी ताज़िया कहलाता है, और इसके पीछे अलम होता है अंजुमन शब्बीरिया नौखानी करती है। पहले ये पहले बड़े इमामबाड़े से उठ के गोल दरवाजे से होता हुआ और छोटे इमामबाड़े ये जुलूस आया करता था। सन 77 में जब आज़ादारी के जुलूस पर पाबंदियां लगीं तो 20 साल बाद ये जुलूस बहाल हुए, लेकिन अफसोस ये है